महाराष्ट्र में राज ठाकरे का अल्टीमेटम खत्म होते ही आज अजान के खिलाफ एमएनएस कार्यकर्ताओं ने सुबह से हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना शुरू कर दिया। मुंबई के कई इलाकों में लाउड स्पीकर पर अजान के जवाब में तेज आवाज में हनुमान चालीसा बजाया जा रहा है और इसके बाद कई एमएनएस कार्यकर्ता हिरासत में भी लिए गए। नासिक में सड़क पर चालीसा का पाठ किया गया तो वहीं राज ठाकरे के घर के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती है। हालांकि ये तैनाती कल से ही कर दी गई थी, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कल का अल्टीमेटम था, लेकिन कल ईद थी इसीलिए इसको रद्द कर दिया गया और आज ये अल्टीमेटम दोबारा जब खत्म हुआ तो हनुमान चालीसा का पाठ एमएनएस कार्यकर्ता कई जगहों पर करते हुए दिखाई दिए। कई ऐसी जगह हैं जहां से उन्हें हिरासत में भी लिया गया है। अब इन पांच तस्वीरों को देखिए। मुंबई के चारकोप में हनुमान चालीसा बजाई गई, आज सुबह हनुमान चालीसा बजाई गई है, लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाई गई है, लाउडस्पीकर पर अजान के जवाब में ये हनुमान चालीसा एमएनएस के कार्यकर्ता बजा रहे हैं। हालांकि ये भी जानकारी है कि कुछ जगह पर अजान आज बिना लाउडस्पीकर के की गई। तो फिलहाल तो ये पांच तस्वीरें आप देखिए, लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा आपको सुनाई भी पड़ रही होगी, यानी कि जो अल्टीमेटम राज ठाकरे की तरफ से दिया गया था उसके खत्म होते ही उन्होंने वही करा जो उन्होंने कहा था, यानी उनके कार्यकर्ता अलग अलग जगहों पर हनुमान चालीसा का पाठ लाउडस्पीकर पर बजा रहे हैं। कि मेरे तीन सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, पांच तस्वीरें आप देख रहे हैं। अंकुर त्यागी मेरे सहयोगी हैं, निलेश को आप देख रहे हैं, निलेश शुक्ला और वैदेही भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। शुरुआत अंकुर मैं आपसे करूंगी, हमने इन पांच तस्वीरों के जरिए दिखा दिया, क्या मैं ये कहूं कि ये पांच तस्वीरें महज बानगी भर हैं? पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग जगह अल्टीमेटम के बाद का ये असर लाउडस्पीकर पर? देखिए फिलहाल ये जो शुरुआत की तस्वीरें देखी हैं ये सुबह की अजान को लेकर थी, क्योंकि ऑलरेडी मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने अपना अल्टीमेटम दे दिया था और ये वाली बात जो उनका कल रात तकरीबन 8 बजे के आसपास उनका लेटर आता है और 3 अलग अलग लैंग्वेज में आता है, तो जाहिर तौर पर उन्होंने अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। हालांकि कल सुबह से गृह मंत्री की लगातार मीटिंग्स हो रही थी, वो एक बार उद्धव ठाकरे से मिलने उनके सरकारी बंगले जाते हैं, इससे पहले वो 11 बजे के करीब सुबह के वो डीजीपी से मिलते हैं, तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेते हैं और इस बात को चाक चौबंद व्यवस्था करने की पूरी भरपूर कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह का इस तरह का कोई अटेम्प्ट ना हो सके या ये जो पूरा सिचुएशन बनी है ये एस्केलेट ना हो पाए, और इसीलिए प्रिवेंटिव एक्शन लिए जाते हैं। 13,000 से ज्यादा, मैं दोपहर तक का आंकड़ा आपसे शेयर कर रहा हूं कि 13,000 से ज्यादा लोगों के को 149 का नोटिस सर्व कर दिया जाता है, उसके बाद ये संख्या लगातार बढ़ती चली जाती है। सेकंड स्टेज में जाकर राज ठाकरे का जो कोर टीम है उसमें बालानंद गांवकर आते हैं, उसमें संदीप सरदेसाई आते हैं, उसके अंदर नितिन संदीप देशपांडे आते हैं, नितिन सरदेसाई आते हैं, तमाम बड़े जो नेता हैं मनसे के जो कि पोटेंशियल थ्रेट हो सकते थे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, उनको भी 149 का नोटिस सर्व कर दिया जाता है और देर शाम होते होते राज ठाकरे को 149 का नोटिस सर्व कर दिया जाता है। तो जाहिर तौर पर कोशिश पूरी थी सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने की, लॉ एंड ऑर्डर में प्रॉब्लम ना हो इस बात को मेंटेन करने के लिए, जाहिर है। लेकिन चूंकि बहुत ही अंदर जो एक माइक्रो लेवल पर जो सिस्टम काम करता है, किसी पार्टी का कैडर सिस्टम काम करता है, उसका कहीं ना कहीं फायदा जरूर हुआ है और जो तस्वीरें आपको सुबह की देखने के लिए मिली, चाहे वो चारकोप से आई, चांदीवली से आई या नासिक से आई, इस तरह की तस्वीरें अभी शुरुआत भर हैं और पार्टी का कैडर जरूर कोशिश करेगा कि लगातार वो चीज को काउंटर, जो नैरेटिव सेट हुआ है उसका काउंटर नैरेटिव तैयार करना। अगर आप सेशन कोर्ट के बाहर हैं तो आपसे और जानकारी हम इस बाबत लेते रहेंगे लगातार। निलेश के पास भी चलते हैं। निलेश, आप मुझे बताइए आप कहां मौजूद हैं सबसे पहले तो, और क्या वहां पर भी आसपास कहीं हनुमान चालीसा का पाठ बज रहा है लाउडस्पीकर पर? जी फिलहाल मैं नवनीत राणा के खार रेसिडेंस घर के बाहर हूँ, यहाँ स्थिति थोड़ी अलग है। फिलहाल यहाँ पर जो बीएमसी का ऑफिशियल आने वाले हैं मुआयना करने उनके घर का, क्योंकि अवैध कंस्ट्रक्शन को लेकर जो बात कही जा रही है उसको लेकर बीएमसी ऑफिशियल यहाँ पहुँचने वाले हैं। हालांकि स्थिति आपको बताऊँ, लाउडस्पीकर का मुद्दा जो अजान वर्सेस हनुमान चालीसा का मुद्दा है वो मुंबई शहर में अभी भी बरकरार है, जो टेंस माहौल है वो बरकरार है, क्योंकि हम सुबह से देख रहे हैं कि जो पहली अजान है तब से जो मनसे के कार्यकर्ता हैं वो एक्टिव हो गए हैं अलग अलग इलाकों में, ना सिर्फ मुंबई शहर में बल्कि पूरे राज्य भर में अलग अलग
जितने भी मस्जिदें हैं वहाँ पर लाउडस्पीकर लेकर पहुँचे हैं और हनुमान चालीसा बजाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल नवनीत रैना के घर के बाहर जो स्थिति है वो शांत पूरी बरकरार है, शांति बनी हुई है। लेकिन अब से ठीक है नीलेश, आप बने रहिए मेरे साथ, वैद्य ही आऊंगी। लेकिन खबर ये है कि राज ठाकरे का शिवसेना पर एक और हमला। बाला साहब ठाकरे का एक पुराना भाषण ट्वीट किया है जिसमें मस्जिद से लाउडस्पीकर हटाने की बात उन्होंने कही है। त्या दिवशी माझं सरकार या महाराष्ट्रामध्ये येईल, त्यावेळेला रस्त्यामधले नमाज आम्ही पडल्या बंद केल्याशिवाय राहणार नाही। धर्म असा असावा लागतो की तो राष्ट्र विकासाच्या आड येता कामा नये, लोकांना त्याचा उपद्रव होता कामा नये। आमच्या हिंदू धर्माचा कुठे जर कोणाला उपद्रव होत असेल त्यांनी मला येऊन सांगावं, आम्ही त्याचा बंदोबस्त करायला तयार आहोत। लाऊडस्पीकर मशिदीवरचे खाली येतील बंद। ज्या दिवशी माझं सरकार या महाराष्ट्रामध्ये येईल त्यावेळेला रस्त्यामधले नमाज आम्ही पडल्या बंद केल्याशिवाय राहणार नाही। धर्म असा असावा लागतो की तो राष्ट्र विकासाच्या आड येता कामा नये, लोकांना त्याचा उपद्रव होता कामा नये। आमच्या हिंदू धर्माचा कुठे जर कोणाला उपद्रव होत असेल त्यांनी मला येऊन सांगावं, आम्ही त्याचा बंदोबस्त करायला तयार आहोत। लाऊडस्पीकर मशिदीवरचे खाली येतील बंद। और अब इन 5 तस्वीरों को आप देखिए। हालांकि ये जो वीडियो हमने आपको दिखाया ये पुराना वीडियो ट्वीट किया है राज ठाकरे ने और शिवसेना पर निशाना साधा कि कैसे शिवसेना अपनी विचारधारा से एकदम उलट हो गई क्योंकि अपना खेमा बदल लिया और वो भूल गई जो बाला साहब ठाकरे ने कहा था। अब इसी की तर्ज पर राज ठाकरे, क्योंकि अल्टीमेटम खत्म हो गया है, तो आप देखिए अलग अलग जगहों पे पूरे महाराष्ट्र में कैसे हनुमान चालीसा का पाठ लाउडस्पीकर पर बजाया जा रहा है। इसी के साथ राज ठाकरे के घर के बाहर जो पुलिस बंदोबस्त है वो कल रात से ही बहुत दुरुस्त कर दिया गया था। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।